हाँ दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी की भी सिम को कैसे बंद कर सकते हैं अपने फोन से ऑनलाइन बिना आधार कार्ड के, बिना ओटीपी के, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी सिम किसने बंद कराई है। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मायने ये नहीं रखता है कि सिम किस कंपनी की है, चाहे वो वोडाफोन की है, एयरटेल की है, जियो की है, उसे आप बंद कर पाएंगे अपने ही फोन से ऑनलाइन। सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको आपके फोन पे कोई गाली गलौच करता है तो उसकी भी सिम को आप बंद कर सकते हैं अपने फोन से, जिससे कि आपको वो गाली गलौच ना करे, उसे सबक मिल जाए, आप अपने फोन से ही उसको सिम को बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फोन स्क्रीन पे ले जाकर सारा कुछ बता देता हूँ। गाइस, सबसे पहले आपको यार माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। माई जियो एप्लीकेशन, ठीक है, माई जियो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इस माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकती हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ यार, जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पर कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि माई जियो एप्लीकेशन कौन सा होता है, तो मैं उनको माई जियो एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, सभी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे बंद करनी है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद यार गाइस यहाँ पर आ जाना है, आपको इसे खोल लेना है, इसे किसी भी जियो की सिम से लॉगिंग हो जाना है। और लॉगिंग होने के बाद यार यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करके बस यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको इस नाम वाले क्लिक कर देना है। जैसे कि सेटिंग आपको दिख पा रहे होंगे, लास्ट में सेटिंग पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल वाले पर क्लिक करेंगे। अब गाइस सर, यहाँ पर अगर आपको ध्यान से देना है, ठीक है, यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, अल्टरनेट नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको एक वो फ़ोन नंबर डाल देना जो आपके पास हो, यानी कि जो अभी आपके पास है वो फ़ोन नंबर डाल दे जो अभी आपके फ़ोन में हो, वो फ़ोन नंबर यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर, नहीं तो आप अपनी यहाँ पर जीमेल आईडी डाल दें। अभी मैं आपको यहाँ पर क्यों डलवा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी अभी आपको, तो मैं अभी आपको बता दूंगा क्यों अभी आपको मैं यहाँ पर ये नंबर डलवाया था। अब बैक आना, बैक आने के बाद गाइस सर यहाँ पर आपको दोबारा से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और तो थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ को आना है, और ऊपर की तरफ को आके यार यहाँ पर सेटिंग पर जाना है, और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, लॉस्ट सेम ब्लॉक और रिप्लेस इट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही थोड़ा सा यहाँ पर यार वेट वगैरह लेगा ये, और यहाँ पर गाइस यार यहाँ पर आपको वो फ़ोन नंबर डाल देना है जो फ़ोन नंबर आपको बंद करना है। सिम किसी की भी है, वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, और वो सिम आपकी बंद हो जाएगी। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर भी आपको डाल के दिखा देता हूँ जो मुझे बंद कराना है। यहाँ पर मैंने वो फ़ोन नंबर लिख दिया है, ठीक है गाइस, तो आप भी अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख दोगे, और उसके बाद गाइस यार यहाँ पर आपको प्रोसीड्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको गाइस दो ऑप्शन नज़र आ जाते हैं, और ऊपर की तरफ आपको लिखा मिलेगा लॉस्ट सिम लॉगिंग। बस आपको ध्यान से देखना है, और जो जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाना है, आपको वो सिम बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहली वाली कैटेगरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अब गाइस यार यहाँ पर क्लिक करते यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि पहला है डेट ऑफ बर्थ, और दूसरा है अल्टरनेट नंबर, और तीसरा है लिंक नंबर। अब यहाँ पर मतलब ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन जो है हमारा डेट, अगर उस व्यक्ति की आपको डेट ऑफ बर्थ याद है तो भी सिम को बंद कर पाएंगे, अगर आपको नहीं याद है तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, नहीं याद है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ना, ये दूसरा ऑप्शन हमारा है अल्टरनेट नंबर। यानी कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक अल्टरनेट नंबर डाल दो आप, और वो सो नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो हमने अल्टरनेट नंबर डाल दिया था जो यानी कि आपके फ़ोन में मौजूदा अभी हो, जिससे आप सिम चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, जिससे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो सिम को यहाँ अल्टरनेट नंबर में डालना है, ठीक है। तो इतना आपने काम कर दिया, तो मैं अल्टरनेट नंबर पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर वो सिम डाल देता हूँ जो मेरे अभी मेरे फ़ोन में है, वो सिम आपको डालनी है आप। और यहाँ पर हमको वो फ़ोन नंबर हमने कॉपी कर रखा है तो हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तो चूँकि मैंने अल्टरनेट नंबर यहाँ पर गलत डाल दिया था, तो यहाँ पर हम सही डाल देते हैं, और ये हमने सही डाल दिया, और सही डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखो हो चुका है सबमिट, होने के बाद यहाँ पर आपको हमारा वो नंबर दिख जाता है पहले नंबर पर ही, तो हमने पहले नंबर पर क्लिक कर देते हैं। अब गाइस सर आपके उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, यानी कि जो अभी आपके फ़ोन में है मौजूदा प्लान मौजूदा, जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो उस ओटीपी जाएगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आने वाला है और आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रोक लेते हैं वीडियो को और ओटीपी देख लेते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ओटीपी भी आ चुका है, 077 यहाँ पर हम लिख देते हैं उसे 077, और एक बार और देख लेता हूँ मैं यहाँ पर ओटीपी क्या है हमारा 664, ठीक है। तो 664 यहाँ पर हम डालेंगे ओटीपी, ध्यान से डालना, नहीं तो आपका संबंध नहीं हो पाएगा।
अब इसके बाद यार सबमिट पे जैसे ही क्लिक कर देते हो गाइस यार यहाँ पर एक और वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है, उसका भी मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी आपका काम नहीं हुआ है, वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी आपका काम रह गया है, मेन चीज़ तो अभी रह गई है। अब गाइस यार यहाँ पर आप आ जाते हो और यहाँ पर इस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करते हो, अब यहाँ पर आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है सिम डिवाइस लॉस्ट। अब गाइस यार यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देते हो, अगर मैं इस सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कर देता हूँ, एक क्लिक में मेरी सिम अभी की अभी बंद हो जाएगी। लेकिन गाइस यार मुझे ये सिम बंद नहीं करनी है, मुझे आपको ओनली बताना था अगर आपको सिम बंद करनी है तो इस तरीके से आप उस सिम को बंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मैं इस सिम को अभी भी चला रहा हूं तो ये मेरी सिम बंद हो जाएगी, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बाद में अगर इस सिम को बंद चालू भी करना चाहोगे तो कस्टमर केयर पर जाकर वो सिम चालू भी हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर हो सकता है कस्टमर पर भी नहीं हो, चूँकि अब नियम बदल दिए हैं, तो कस्टमर पर भी अगर आपकी सिम चालू नहीं होगी, अगर एक बार बंद होगी तो आपको दुकानदार पर ही जाना पड़ेगा, और उसके मतलब कि जिसकी सिम है अगर वो आपकी सिम है तो आपको अपना आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा जब भी वो चालू होगी। और यहाँ पर हमने आपको बता दिया पहला ऑप्शन ये था जियो का, ठीक है, ये जियो का था, जियो में ही काम करेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ वोडाफोन का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक आऊँगा। वोडाफोन के लिए आपको सिंपली यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, बी आई सिम लॉस्ट ब्लॉक, वी आई सिम लॉस्ट ब्लॉक, इस वाले को जैसे ही क्लिक कर देते हो तो गाइस यार यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। अब पहली वाली वेबसाइट पर गाइस यार जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर आपको वो अपना वोडाफोन नंबर डाल देना है जिस वोडाफोन नंबर को आप बंद करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक नंबर डाल के, जैसे कि मुझे ये फ़ोन नंबर अब बंद करना है। तो गाइस यार यहाँ पर ये फ़ोन नंबर मेरे पास अभी वोडाफोन का नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी एक दो गाइस यार यहाँ पर सिंपली आपको अपना कोई भी वोडाफोन नंबर डालना होता है। ठीक है, अभी यार यहाँ पर मतलब कि हो जाता है हमारे पास वोडाफोन की सिम नहीं है और हमारे पास, तो यहाँ पर अगर वो वोडाफोन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अपना वोडाफोन नंबर डाल देते हो तो उस पे एक ओटीपी जाएगा आपके फ़ोन नंबर पर, अल्टरनेट नंबर पर, और तुरंत ही सिम वोडाफोन की भी आपको बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वोडाफोन की भी सिम को बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एयरटेल का, दोस्तों यार एयरटेल की सिम भी हमारे पास नहीं है और एयरटेल का अभी ऑनलाइन का कोई मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ऑनलाइन हम एयरटेल की सिम को बंद कर पाएँ, उसका आपको कस्टमर केयर पर ही कॉल करनी पड़ती है एक एयरटेल की सिम से, तभी सिम बंद हो पाती है। तो एयरटेल का नहीं है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब यार ज़रूर से कर लेना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और आपकी सिम बंद हो चुकी है तो कमेंट में लिखें, अगर सिम बंद नहीं हुई है तो कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछें, हम उसे आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, आपको बताएंगे कि आपने प्रॉब्लम कहां पर की है जिसकी वजह से आपकी सिम बंद नहीं हो रही है। तो कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।